देश न्यूज चैनल से। आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो अपना जीवन कई संस्थाओं में लगा चुके, आज की मौजूदा हालत में उन्होंने एक ऐसा मिशन लेकर यहाँ भारत में उतरने वाले हैं जिसको शायद भारत कभी सहारा ना करेगी। चलिए हम उनसे बात करते हैं। वैसे आपको परिचय दे दूं कि हम आज मुलाकात करेंगे पूर्व DGP मध्य प्रदेश से मैथिली शरण गुप्त जी से। आइए हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी से कि उन क्या मौलिकों को लेकर आए हुए हैं, क्या उसका अधिकार हमें प्राप्त होगा, क्या वो भारत को क्राइम मुक्त बना सकेंगे। चलिए हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है हरिद्वार में। कैसा लगा आपको हरिद्वार में आकर? हरिद्वार का अलबेला मौसम, यहाँ की आध्यात्मिक अनुभूति, गंगा नदी का किनारा और सप्तऋषि का स्थान, ये सब चीज़ें मिलकर एक विशेष अनुभूति को पैदा कर रहे हैं और मैं उस भाव से पूरी तरह से अभिभूत से भरा हुआ हूँ, अभिप्रेरित हूँ, उत्साहित हूँ और जिस बीड़ा को उठा के मैं चल रहा हूँ मैं ये ऐसा देख पा रहा हूँ कि वो शीघ्र ही जमीन पर उतरने वाला। तो क्या शीघ्र जमीन पर उतरेगी? ऐसा हमारा भी मानना है और हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि आपके वो जो संकल्प के साथ आप आ रहे हैं भारत में, भारत को क्राइम मुक्त बनाने के लिए, वो जरूर पूरा हो। तो क्या आपको लगता है इसमें राजनेता और लोग आपको परेशान या इसको चलने देंगे या रोकने की व्यवधान आपको नहीं डालेंगे? देखिए, ये इतना बड़ा संकल्प है और ये संकल्प एक व्यक्ति का संकल्प हो नहीं सकता, ये संकल्प कॉस्मिक संकल्प है और कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो है वो अपने लिए पात्र चुनता है। तो मैं एक ऐसा पात्र हूँ जो कॉस्मिक व्यवस्था के तहत जमीन पे कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे ढेर सारे पात्र जो है विभिन्न जगहों पर उसी कॉस्मिक एनर्जी को पा रहे होंगे। मुझे विश्वास है ये सभी कॉस्मिक पात्र बहुत जल्दी एक छत्र के नीचे आ जाएंगे और इस व्यवस्था को विपरीत ढंग से प्रभावित करना किसी भी राजनेता के सामर्थ्य के बाहर हो, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि ये राजनेता बहुत चतुर प्राणी है, ये जनता की और हर चीज़ को समझते हैं, ये बहुत ही आसानी से ये बात समझ जाएंगे कि सभी 543 राजनेता पराजित होने वाले हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतने वाला है। ये बात उन्हें समझने में कुछ महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। जब उन्हें ये महसूस हो जाएगा कि आज की राजनीति से और भी सुगम रास्ता अवेलेबल है तो वो सब क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे और अपने प्रभाव क्षेत्र में लोगों को जोड़कर सभी चंद्रगुप्त बन जाएंगे। यदि 543 में आ गए तो उनका MP बनना सुनिश्चित है और 82 में आ गए तो उनका मंत्री बनना सुनिश्चित है। आज इन राजनेताओं को कितने लोगों को मक्खन लगाना पड़ता है, करोड़ों में घूस देना पड़ती है, फिर जीतने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। इस नई व्यवस्था में उन्हें बिना खर्च किए वो सब चीज़ें मिल जाएंगी और एक शतयुगी भारत को जिसमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार के सहित जमीन पर उतारने का उनको सम्मान भी मिले। तो मुझे मानना है कि निश्चित तौर पर राजनेता जो समझदार प्राणी हैं वो अपनी समझ का परिचय देंगे और जितने जल्दी हो सकेंगे वो क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा बने। जैसा कि आपने कहा सर कि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपको एक बच्ची के द्वारा यहाँ ले आया, बच्चे के द्वारा यहाँ पे ले आया, एक छोटे से बच्चे के कहने पे आप हरिद्वार आए, क्या आप कॉस्मिक को मानते हैं? देखिए, कॉस्मिक एनर्जी है और आप किसी की उम्र पर मत जाइए, क्योंकि जैसे जो पुराना कर्म है जब वो व्यक्ति उस शरीर को छोड़ता है और नए बच्चे के रूप में जन्म लेता है तो वो उस लेवल से अपनी यात्रा शुरू करता है। तो इसका मतलब है उम्र मायने नहीं रखती है। हमारे आदि शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, वो तो छोटे सी समूह में जो है ना निकल गए थे और उन्होंने शास्त्रों को लिख दिया, पूरे भारत में जो है ना 4 मठ बना दिए, उन्होंने तो सभी को जो है ना विद्वानों को जो है ना सिख ऊपर विजय पाली, तो वो निश्चित तौर पर उनके पूर्व जन्म की यात्रा थी। लिहाजा मैं एक छोटे बच्चे के कहने पे आया हूँ, आपको नहीं मालूम है कि वो किस कॉस्मिक एनर्जी का बच्चा है,
निश्चित तौर पर उस बच्चे ने मुझे प्रभावित किया और उसकी कॉस्मिक एनर्जी से मैं यहाँ पहुँचा और मैं उस कॉस्मिक ऊर्जा के तहत बाकी लोगों की कॉस्मिक ऊर्जा को एक मिलते हुए देख पा रहा हूँ। तो ये सब कॉस्मिक ऊर्जा का ही आदान प्रदान है। बड़े कर्मठ, ईमानदार और बड़े नेक दिल पूर्व DGP आप मैथिली शरण गुप्त जी से हमने चर्चा की। इसी के साथ आपको बता दें कि हम अगले एपिसोड में आपको भोपाल में फिर सर के साथ कुछ चर्चाएं करेंगे। मैं अर्चना धिंगरा, देश न्यूज़ के लिए।